हो सड़क पे स्लश आ गई भैया, ओहो चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, जलोरी पास आ गया। अब भैया अब यहाँ गाड़ी रोकते हैं। I'm just sitting here. हो गई है लेकिन ये हमता पास नहीं है। तो अभी हमने गाड़ी मोड़ ली है, जलोरी पास का नाम सुना होगा, पास है ये, यहाँ पे स्नोफॉल भी काफी होती है। अब हम कोशिश, ये हमने छोड़ दिया जिप भी नीचे था, अब हम कोशिश करोगे जहां तक हमारी गाड़ी इजिली जा रही है। 94 किलोमीटर का डीजल रह गया है, पेट्रोल पंप पीछे की तरफ है, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर देखते हैं थोड़ा चलते हैं 10-15 किलोमीटर और जलोरी पास अगर हो जाएगा तो हम कवर करेंगे। सुना है कि मौसम खराब है, चलते हैं जलोरी पास, वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां दम तोड़ देती है अनटिल अनलेस आल्टो में लोकल ड्राइवर ना हो। शहरों के हम जैसे ड्राइवर जल्दी हार मान जाते हैं। तो अब चलते हैं, ऐसी सकरी सकरी है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है भाई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हम जैसे शहरी अनट्रेन्ड ड्राइवर्स के लिए। ये लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे, कैसे बारिशों में होगा, देख लो लेफ्ट हैंड में पूरा पत्थर ही पत्थर गिरे हुए, रास्ते बंद हो जाते हैं ये बहुत टाइम के लिए। गाड़ी की पूरी निकल रही है भाई आरपीएम, पर क्या किलोमीटर 100 हो गया, अब कम होना चाहिए बढ़ गया, लेकिन गाड़ी की पूरी जान निकल रही है, आरपीएम 1500 से ऊपर चल रही है पहले गियर में। अभी तो ये वाइड नहीं है, और अभी तो जो मेन जहां गाड़ी फिसलती है वो तो बाकी है भाई, अभी तो पूरी कहानी होनी बाकी है। अब ये देखो, ये देखो सी कैसा मोड आ गया, लेकिन देख लो कैसा मोड़ है सड़क, लेकिन नंबर वन की बनी हुई है और गाड़ी ने अपना सही में दिखा दिया कि भी, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ियों में आपको बार बार गियर चेंज करने नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप जब गाड़ी स्लोप पे होती है तो अपने आप ही आरपीएम को मेंटेन करती है। जलोरी पास से पहली जगह पड़ती है शोजा, शोजा भी एक छोटा सा अनटच हिल स्टेशन है, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये शोजा है। यहाँ पर भी पहले हमारा प्लान था यहीं आकर रुकेंगे, पर यहाँ अवेलेबिलिटी काफी कम है, लेकिन शोजा भी पहले फॉरेस्ट था, अब तो ये जंगल खत कट गया, काफी कम हो गया, यहाँ पे पहले बहुत ही ग्रीन था, डेंस था, हो सकता शोजा भी ऊपर हो, पर शोजा ही है ये ऊपर रहने का जुगाड़ है, फुल व्यू है यहाँ से। हाँ पहले यहाँ पे काफी ग्रीनरी थी, देखता हूँ हो सकता आगे, वहाँ देखिए व्यू देखिएगा, अभी क्लाउड्स है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। ये शोजा हम पहुंच चुके हैं, रूम्स रेस्टोरेंट सब अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ ऑफ सीजन के लिए है, पीक टाइम पे आओगे तो यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब शोजा पहुंचने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं जलोरी पास। अब हम इतनी ऊपर आ गए हैं कि जो ये स्नो पीक्स है ये हमारे पैरेलल ही पहुंच गई है, लेकिन अभी देखते हैं आगे, अभी हाँ ऊंचाई काफी है इसकी, 8787 मीटर होगी, फीट होगी, तो अभी 90 थी, लेकिन डीजल का इतनी दिक्कत लग रहा मुझे महसूस होगी नहीं। अभी भी जलोरी पास जो है 4.3 किलोमीटर है, अभी गाड़ी स्किड नहीं हो रही है, गाड़ी का रिस्पॉन्स ठीक है, मतलब अभी तक ऐसा नहीं लगा मेरे को मेरी गाड़ी फिसल के पीछे जाएगी या मैं चला नहीं पाऊंगा। ऊपर भी स्नो है और गाड़ी का पूरा दम निकला हुआ है, क्योंकि देखिए अब लेफ्ट में देखा यार शान जी, बर्फबारी शुरू हो गई है, अभी हम बिल्कुल पास का मतलब है यहाँ से गाड़ी या तो नीचे जाएगी, वहाँ चाय पीने का इंतजाम, अगर चाय होगी तो चाय जरूर पियेंगे तीनों के तीनों, हम रिशान कॉफी पी लेगा, लेकिन बर्फ आ गई है साइडों में, और लेकिन सड़क ऐसी बन गई है कि मेरे को चलाने में गाड़ी बिल्कुल चिकनी सड़क है, मैं चिकनी कर सकता हूँ इसको। और अभी भी जहाँ से हम आए हैं वहाँ की सड़कें खराब, हाँ ये सड़क थी बंजार से और उधर से, वो सड़क खराब थी, ये सड़क थी, लो जी बर्फ ही आ गई, अब आ गया ना, अब आया है, अब देख गाड़ी चढ़ती कैसे है, अभी भी चढ़ते हैं, ये साफ है, नहीं ये तो सड़क है पे कहीं कोई चोट कर जाएगी, 2000 किलो की गाड़ी है, 2 किलोमीटर रह गया आपका जलोरी पास। ओ हो ये देखो फूल देखो आप, ये होते हैं मई जून में अलग टाइप के फूल खिले होते हैं, इतने सुंदर फूल लगे हुए टोटल देखना कैसे हैं प्यारे, इतने सारे लग रहे हैं, और मई जून में लिली टाइप के फूल खिले होते हैं, जो लिलीज होती है ना पर्पल लिलीज वो वाले होते हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। काफी ऊंचाई पे आ चुके हैं, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन है काफी ऊंचाई,
और ये देखिए इधर भी बर्फ पड़ी हुई है। कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो सामने जो फूल खिले हुए हैं कोई देखने वाला नहीं है उन फूलों को, लेकिन हम आगे हम इसको फोटो में कवर करेंगे। ठंड हो रही है भाई। जलोरी पास जाना है, आगे आगे जाइए। थैंक यू, धन्यवाद। यार इन फूलों को तो देखने वाला कोई नहीं है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. यहाँ जब भी आप आओगे आपको फ्लावर खिले मिलेंगे। लिली भी खिलता मई जून में, पहाड़ के पीक पे, बिल्कुल पीक पे है। और गाड़ी सिर्फ चल रही है फर्स्ट गियर में, उसके अलावा गाड़ी ने कोई गियर ही चेंज नहीं किया। लो शिट, ये तो अबर रोड पे है बर्फ। मैडम की फोटो लेते हैं। और बताओ अगर हमें गाड़ी लेके तो आप ये यहाँ पे ना स्नो आ गई, देखो सड़क के ऊपर। ओ भाई ये देखते चढ़ाते हैं कैसे ऋषान पक। जय बजरंग बली, चढ़ जा चढ़ जा मेरी शेर में। बर्फ पड़ी हुई, फोटो ले कि गाड़ी चलाए, गाड़ी चलाए। चढ़ जा मेरी शेरनी, चढ़गी 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 स्नो अभी सड़क के ऊपर। ओए होए कितना गजर फोटो आ रहा है, क्या रिकॉर्डिंग है, लग रहा है हम तो पास से बैठे तो ये जलोरी पास बिल्कुल अनटच है, अनटच अनटच अनटच, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं। ये सड़क जो देखे ना आप, ये काली काली, ये इसके ऊपर बर्फ बर्फ पड़ी हुई है। गाड़ी के टायर हमारे ऑल सीजन है। चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है, आगे से कोई गाड़ी ना आ जाए यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे से कोई गाड़ी आ गई तो। अभी तो क्या मोमेंटम में चढ़े जा रही है, देखो वाओ कैसे चला रहे हैं। आगे और भी सुंदर हो गया है, बर्फ है रोड में। वो क्या बात है भाई, नहीं भैया ने कहा था स्नोफॉल होगा। गाड़ी रोकता हूँ अभी गाड़ी आगे, आगे जो यार है ना, अभी गाड़ी रोकते हैं और मैडम के चार पांच फोटो खींचते हैं। और मजा नहीं आया तो पैसा वापस है, ये कौशिक भाई के चैनल का पूरा वादा है आपसे। गाड़ी की जगह मिल गई है खड़ी करने की, यहाँ गाड़ी मैं खड़ी कर देता हूँ। सड़क पे बर्फ है, ये देखो नीचे बर्फ। ये जलोरी पास अभी और भी दूर है, अभी और दूर जाएंगे हम। फ्रेंड्स स्नोफॉल शुरू हो गई है और हम चलते हैं सीधा ऊपर, अगर भगवान ने चाहा तो ऊपर स्नोफॉल देखेंगे। ओहो सड़क पे स्लश आ गया भैया, ओहो चढ़गी 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 चढ़गी, देखो भैया बर्फ ही बर्फ है। और यहाँ पे ओहो पूरी ये जो काली है ना, ये सड़ गई हो रखी है, गीली जो है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है भाई, गाड़ी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। लेकिन बर्फ के ऊपर भी गाड़ी चले जा रही है, नीचे बर्फ जमी हुई है। स्नोफॉल रुक गई है, नहीं नहीं स्नोफॉल ऊपर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, हो जाएगी ऊपर हो जाएगी। ये देखो भाई चढ़ाओ भाई, आहाओ ये चढ़ गई यार, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। सड़क के ऊपर स्नोफॉल ना हो कहीं, बस गाड़ी मेरी वापस ना जाए। और रह गया अभी आधा किलोमीटर अभी भी है, देखते हैं स्नोफॉल। रात को फिर होती होगी, रात को होती होगी। कितनी सुंदर लग रही है, अभी तो यहाँ बर्फ जमी हुई है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही तो रील बनाने वाला है। अरे मम्मा पीछे रुको, गाड़ी रुक लेते, कहाँ स्नोफॉल ये हो रही है, वो तो रही ऊपर है, ऊपर कितना है आधा किलोमीटर, ये आ रही है, ऐसे आ रही है, आ रही है मां। चलो फिर चलते हैं, आते हुए बना लेंगे, कोई बात नहीं। यार रुक दो गाड़ी, ये ऊपर तो पास ही आ गया, खूब मस्त बर्फ बर्फ पड़ी है। बस अगर एक घंटा रुकते हैं स्नोफॉल वेट करते हैं। आ रही आ रही है स्नोफॉल, आ रही है स्नोफॉल, आ रही है आज हल्की हल्की आ रही है। ये रही ये रही ये रही, एक मिनट रुको, यार यार हल्का चलाओ गाड़ी धीरे, हल्का चलाऊं गाड़ी फंस गई तो। हां ये भी बात है, बर्फ आ रही है थोड़ी थोड़ी, थोड़ी तेज हो जाए। पर थैंक गॉड गाड़ी जो है चले जा रही है, गाड़ी मतलब वो नहीं कर रही, स्किड नहीं कर रही है।
ये आ गया फाइनली कॉन्कर्ड, ये है भाई जलोरी पास। अब यहाँ गाड़ी रोकेंगे, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मंदिर है, यहीं से लेफ्ट रास्ता कटता है। कहाँ का कौन सी लेकर गई हो? जलोरी पास आ गया। अब भाई अब यहाँ गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि क्या स्नोफॉल होती है कि नहीं होती है। हो रही हो रही हो रही है। अरे हल्की का बोल रही है, तेज हो गई। यस 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 यस। ये है सामने महाकाली का मंदिर, जलोरी पास है ये। सिरलोस्कर लेक यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और अगर स्नोफॉल हो जाएगी तो मजा आएगा। यहाँ हमने लास्ट टाइम ट्रैक किया था और भाई बारिश आ जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ चाय पियेंगे हम, और स्नोफॉल हल्की हल्की हो गई है, और अगर मौसम खराब हुआ तो तेज भी जाएगी। हमें रुकेंगे यहाँ पे, चाय पी रहे हैं वहाँ पे गरम गरम। टेम्पो ट्रेवलर भी आ गया है, खुद चला के आने भाई। अभी तक तो गाड़ी ने कोई दिक्कत दी नहीं है। जैसे हम अनट्रेन लोग होते हैं ना, तो वो HP गाड़ी तो कोई भी हवा में उड़ती है, आल्टो तो यहाँ भैया कोई भी ले आता है। लेकिन जो स्लश बन जाता है उस पर गाड़ी स्किड मार जाती है कई बार। टायर गाड़ी के बिल्कुल मेरे नए हैं, ये वही हैं जो टॉप एंड मॉडल में आते हैं MRF के। भैया वो सामने शहर कौन सा है? कौन सा शहर? वो किस सेबो के बाग है क्या है वो? ये टेंट है यहाँ पे, ये बहुत मोटी हो गई इसमें, जिसका मैं इंतजार था। यस यस इट्स डन। नहीं ठीक है जो नहीं, फाइनली स्नोफॉल हो गई है। इट्स क्लियर टू सी फ्रॉम अप हियर। लेकिन ये हमता पास नहीं है, ये ना ही है सिसु, ये है जलोरी पास। अनटच। और भाई लाया चाय मेरे लिए फीकी, थैंक यू वेरी मच, मजा। फ्रॉम अप हियर। मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया था, गाड़ी गर्म है और स्नोफॉल तो देख लिया। आप ठिठुर रहे हैं मेरे हाथ, और ठिठुर रहे हैं हाथ पूरे मेरे, और वो हाँ और राजमा चावल वगैरह खा रहे हैं। The world seems small, we can sit together, it's so beautiful. जलोरी पास डन, और अब चलते हैं आगे कहीं और, देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स गो। भैया मैडम ने यहाँ काफी कुछ खाया पिया है, क्या बताइए मैडम क्या खाया? मैंने खाया राजमा और कढ़ी चावल, दोनों मिक्स करके। अच्छा बहुत मैंने चूल्हे के बिल्कुल बने हुए थे, हाँ चूल्हे के बने। मैंने इनको बोला ये खा लो, पर ये नहीं खाते और रिशान भी नहीं खाता। तो क्या कितने पैसे लिए भैया ने? सिर्फ मेरे से लिए पता ही चावल राजमा, बिस्किट लिया आपने, एक बिस्किट का पैकेट, एक चाय थी, और ये रिशान ने मैगी भी खाई है। सिर्फ 110 रूपए, आप सोचो, चावल राजमा चावल मैगी चाय बिस्किट, मतलब एक प्लेट सोचो। कर एक प्लेट भी नहीं थी, हाफ ही ली थी मैंने, पर फिर भी इतनी हाइट पे है वो सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे मैंने। और नीचे बिल्कुल ऐसा नीचे हाँ चोर बजा रही है, बहुत महंगा पड़ता है। और गाड़ी में रह गया डीजल सिर्फ 69 किलोमीटर का। लुप लुप कर रहे हो भैया, जल्दी लो डीजल। लेकिन देखिए सड़क पे बर्फ पड़ी है, लेकिन गाड़ी वो और ये फंसते फंसाते। You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free.